हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसमें चक्रवात को किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं USA और वेस्ट इंडीज को चक्रवात में किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसे बोलते हैं हरिकेन, यानी कि हरिकेन चक्रवात किस देश में आता है? एक तो USA में और दूसरा है वेस्ट इंडीज में, और एक चक्रवात है टोर्नाडो USA में आता है। और ये सबसे भयंकर चक्रवात है जो कि 360 किलोमीटर प्रति हावर के साथ चलता है। ठीक है, तो USA से सीधा सा मतलब है अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी टिक देखो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है। इसकी टिक है हरी तेरा हरी तोरा नाम अमर रे। क्या ट्रिक है? हरी तोरा नाम अमर रे। तो हरी से बनेगा अपना हरिकेन, और तोरा से बनेगा अपना टोर्नाडो, और अमर से बनेगा अपना अमेरिका। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हरिकेन और टोर्नाडो किसके हैं, अमेरिका के। आगे चलते हैं जापान। अब जापान का चक्रवात है उसे बोलते हैं टाइफो। तो आपने ये नाम सुना होगा कुंग फू, तो आपने सुना ही होगा जो कि जापान से रिलेटेड है। तो आपका फू आ रहा है, तो टाइफो कुंग फू, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जापान से है। और ये दूसरा है टाइफून, इसमें क्या ऐड हो गया? ना ऐड हो गया। तो ना ऐड हो गया तो इसमें दो कंट्री भी ऐड हो गए, जैसे चाइना और फिलीपींस। यानी कि टाइफून तो जापान के लिए था ही, और टाइफून होते ही चाइना और फिलीपींस भी ऐड हो गया। आगे चलते हैं बेंगलुरु जो कि फिलीपींस में आता है। तो इसकी टिक देखो दोस्तों, ये बुगला है जो कि पानी में क्या हो गया, फिसल गया। बुगला होता है जो कि पानी में फिसल जाता है, तो बुगला से बनेगा अपना बेंगलुरु और फिसलने से बनेगा अपना फिलीपींस। अब देखते हैं ट्विस्टर। ट्विस्टर है अमेरिका का। ठीक है, तो आपको पता है ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है कैलिफोर्निया USA में, यानी कि वो है अमेरिका में। तो ये अलग से अपना क्वेश्चन बन गया कि ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया USA में। तो ट्विटर से हम बनाएंगे ट्विस्टर, और अमेरिका में है तो इससे बनेगा अपना अमेरिका। आगे चलते हैं विली विलेज है, वो है ऑस्ट्रेलिया का। और आप इसको जानते हैं, ये एक ऑस्ट्रेलिया का महान बल्लेबाज है, इसका नाम है एडम गिलक्रिस्ट। तो इसे बोलते थे गिल्ली। ठीक है, तो गिल्ली से बनेगा अपना गिल्ली, विली, विली, जो भी है, जो विली विली है, जो ऑस्ट्रेलिया का हो गया। और हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो इससे के कुछ प्रमुख कंट्री है जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसमें साइक्लोन को चक्रवात बोला जाता है। तो इसके अलावा साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में इम्पॉर्टेंट तथ्य है, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, दो भिन्न तापमान वाली राशियों के कारण होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करनी ही है, क्योंकि साइक्लोन में या तो किसी देश में आने वाले साइक्लोन का नाम पूछा जाता है, या फिर इसमें से ही कुछ पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि चक्रवात की आकृति कैसी होती है, वो होती है अंडाकार, और चक्रवात की आँख किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और चक्रवात को किस पैमाने पर नापा जाता है, तो उसका आंसर होगा टी स्केल। और साइक्लोन से रिलेटेड दो सिद्धांत भी है, यानी कि थ्योरीज भी है, एक तो है भंवर थ्योरीज और दूसरी है ध्रुवीयपात थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने दी थी? ब्रकनिज। अगर आपको ब्रकनिज वैज्ञानिक का नाम मिले तो वो किस रिलेटेड है? चक्रवात से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। और एक होता है आपका परती चक्रवात, एक तो होता चक्रवात और एक होता परती चक्रवात, तो इसको भी आपको समझना है। इसकी आकृति होती है गोलाकार, और इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है भूमध्य रेखा के भू क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में ज़्यादा ये आता है। और ये चक्रवात की तुलना में कैसा होता है? इसका आकार बड़ा होता है, यानी कि चक्रवात से भी बड़ा होता है। और इसका वायुदाब है जो कहाँ लगता है? सेंटर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गोलाकार होता है तो इसका वायुदाब कहाँ लगेगा? सेंटर में लगेगा। और इसकी विशेषता क्या है? आसमान है वो एकदम से स्वच्छ हो जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस पूरी वीडियो को आपको PDF मिले, तो इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और इसको शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊँ उसका अलर्ट आप तक पहुँच जाए।